अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान अजय माकन जी और मैंने दो संभागों के फीडबैक कार्यक्रम में भाग लिया था, अजमेर संभाग के पांचों जिले और हमारे जयपुर संभाग के। उसमें जो फीडबैक के आधार पे जो बातें आई थी उन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है, अजय माकन जी ने टेलीफोनिक चर्चा की है। जो प्रमुख मुद्दे थे कि सरकार ने 1.5 साल में 1.5 साल में कितने काम किए, उसके लिए जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसको 2 अक्टूबर को हम लोग प्रिंट करा करके उसको बताएंगे कि हमारे इतने मुद्दे जो है वो जो हमने जन घोषणा पत्र में दिए थे वो पूरे हो चुके हैं। दूसरा जो मुद्दा जन घोषणा इसमें फीडबैक कार्यक्रम में आया था उसमें एक बिजली का मुद्दा प्रमुख रूप से था, जिसमें जो समझौता समिति में VCR भरने में जो किसान जाता है उसको 70% पैसे जमा कराने पर VCR के उसके ऊपर फिर सुनवाई की जाने की ऑर्डर निकल गया था, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, मुख्यमंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है और मैं समझता हूँ उसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी मिलेगी और जल्दी ही उसमें 1-2 दिन में ही निर्णय लिया जाएगा। दूसरा जो मुद्दा था कि कार्यकर्ताओं की एक बात थी कि हमारी अधिकारी मानते नहीं हैं, जन सुनवाई हमारी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और शीघ्र ही सरकार इसके ऊपर गहन मंथन करके और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर किस प्रकार से अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित रह करके और लोगों की जन सुनवाई, कार्यकर्ताओं की और जनता की सुनवाई करेंगे। और जो प्रभारी मंत्री हैं उनका रोल अब जैसे प्रभार मंत्री बदल दिए गए हैं तकरीबन, तो उनका क्या रोल रहेगा, वो कैसे जिले की मीटिंग लेंगे अधिकारियों की, उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से बैठक लेंगे और बैठक लेकर के मीटिंग में उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और स्टेट लेवल से होने वाली बात के लिए यहाँ पर CMO को वो रिपोर्ट करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो जनता चाहती है या उनके जो सॉल्यूशन वहाँ से नहीं हो पा रहा है स्टेट लेवल पे होना चाहिए, वो चीज़ भी मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से चर्चा हुई है। बाकी स्थानांतरण की एक बात आ रही थी तो इसके लिए भी सैद्धांतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि चूंकि 12 महीने हो गए और लोगों की अगर भावना है, लेकिन इसी बीच में ये पंचायत चुनाव की आचार संहिता है, तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि कैबिनेट की जो भी मीटिंग हम 2 दिन 5 दिन 10 दिन में करेंगे तो उसमें विस्तार से इससे चर्चा करके इसके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन कोरोना काल में ये तय हुआ है कि अगर ट्रांसफ़र खोले जाएँ तो फिर ऑनलाइन प्रक्रिया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले अपनाई थी उसी तरीके से एजुकेशन के साथ साथ सभी विभागों में अपनाई जाए, जिससे लोगों को आके और यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो ये 3-4 प्रमुख मुद्दे थे। बाकी जो संगठन के रिस्ट्रक्चर की बात है वो जब फीडबैक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम लोग अजय माकन जी और हम सब लोग बैठेंगे और उसके बैठने के बाद में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके उसको अभी रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये जो जनता के प्रमुख मुद्दे थे, जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, जनता की सुनवाई का मुद्दा, स्थानांतरण का मुद्दा, और कोई आपके ध्यान में हो तो आप बता दीजिए जो फीडबैक कार्यक्रम में आप लोगों ने चलाया या दिखाया, अगर उन सब मुद्दों के ऊपर बात हुई है। मेरे विभाग शिक्षा विभाग से संबंधित बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी नौकरी दें युवाओं को, इस मुद्दे के ऊपर भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ सारे मुद्दों के ऊपर काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ है और सरकार इतनी पॉजिटिव है कि 4 घंटे तक एक मुख्यमंत्री जनता के मुद्दों के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात करे और पॉजिटिव वे में ये कहे कि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ही इनके ऊपर सबके ऊपर एक्सरसाइज करके और उसको आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, माकन साहब की ओर से और मेरी ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता के मुद्दों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बातों को इतनी तवज्जो दी और जल्दी ही उनके समाधान का आश्वासन दिया। सर, नई टीम कब तक ऐलान होगी? फीडबैक कार्यक्रम पूरा होते ही मैं समझता हूं उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज करके और जल्दी उसका गठन करेंगे। सर, जनसुनवाई का आपने कहा कि अधिकारी जनसुनवाई करेंगे, उसमें मंत्री भी मौजूद रहे, क्या ये DCC में होगी या कहीं? नहीं, देखिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर,
कैसे जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हो, और महीने में कम से कम एक ब्लॉक स्तर के ऊपर सारे अधिकारी बैठ करके जनप्रतिनिधि एमएलए वगैरह के साथ में हों। अगर वो मंत्री भी है उस विधानसभा, मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ तो मैं लक्ष्मणगढ़ में भी महीने में एक दिन कम से कम उस जनसुनवाई में जाऊँ, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अधिकारियों के साथ जा करके गाँव के लोगों की, वहीं यही तो हमारा कार्यकर्ता जाता है कि मुझे जिले में नहीं जाना पड़े, मुझे स्टेट में नहीं जाना पड़े, मेरी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं मेरे गांव में ग्राम पंचायत में सोल्व हो जाएं, मेरे ब्लॉक में सोल्व हो जाएं, मेरे ज़िले में सोल्व हो जाएं, और जो वहां के स्तर की नहीं हो उनका फीडबैक जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो वो ला करके स्टेट में दे, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित विभागों को दे करके उसका समस्या का समाधान कराएं। एक एमबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर सचिन पायलट जी ने लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री को। देखिए निश्चित रूप से कोई भी वर्ग हो, कोई भी नेता हो, कोई भी जनसेवक हो, उसको चाहिए कि वो जनता की कोई भी बात है जो उसके जहन में है वो सरकार तक पहुंचाए। मैं समझता हूं विभिन्न संगठनों के मुद्दे आते रहते हैं, सचिन पायलट जी का भी चिट्ठी जो सोशल मीडिया में आया है वो मैंने देखा है, न मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है न मेरी इससे बात हुई, वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने उनको चिट्ठी भेजी है, वो अपने हिसाब से जो सरकार कर सकती है वो उनको जवाब भी भिजवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे।